नमस्कार। फिल्म हो, टीवी हो या हो वेब सीरीज, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन फिल्म के गलियारों से सीधे आपके स्क्रीन तक पहुंचाना है हमारा काम, और वो हम करते रहेंगे। चलिए तो आज बात करते हैं एक नए फिल्म की जो अभी नॉमिनेशंस पर रही है दुनिया भर के बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में, और इसने मानो तहलका मचा दिया हो, खास करके महामारी के दौर में जब लगता है कि सारा विश्व इस महामारी को झेल रहा है। इस फिल्म का नाम है द डिसाइपल। इस फिल्म को चैतन्य तम्हाने ने लिखा है और खुद दिग्दर्शित भी किया है। इनकी बनाई हुई ये फिल्म यूरोप के तीन सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल्स वेनिस, कान और बर्लिन में सिलेक्ट हो गई है। इसके साथ साथ टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी इस फिल्म ने नॉमिनेशन पा लिया था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 19 साल के बाद किसी भारतीय फिल्म ने नॉमिनेशंस प्राप्त किया हो, और ये बहुत बड़ी बात है। ये वही चैतन्य तम्हाने हैं जिन्होंने भारत में मानवाधिकार से जुड़ी फिल्म कोर्ट 2014 में बनाई थी। भारत की ओर से बतौर ऑस्कर एंट्री भेजी गई थी। कोर्ट को 18 इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा भी गया है। कोर्ट जैसे ही द डिसाइपल भी एक मराठी फिल्म है, और भारत एक विभिन्न भाषा का देश होते हुए भी एक रीजनल लैंग्वेज की फिल्म सारे जगत में नाम कमा रही है, ये भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा हमारा मानना है। आप सभी को कोर्ट जरूर देखनी चाहिए। महज 33 साल के चैतन्य की ये दूसरी फिल्म है जो एक गायक की कहानी है जिसे अपने घराने की गायकी परंपरा को निभाना है, परिश्रम और प्रामाणिकता से अपनी पूर्वजों की गायकी प्रावीण्य को हासिल करना है। इस इंटरव्यू में चैतन्य कहते हैं कि ये एक बाप बेटे की कहानी है। रोमा, ग्रेविटी, इन जैसे शानदार फिल्में बनाने वाले अल्फोंसो कुआरोन के साथ चैतन्य का नाम तभी जुड़ गया जब कोर्ट ने विश्व में वाह वाह पाई थी। कुआरोन ने चैतन्य को अपने साथ काम करने के लिए बुलाया। एक साथ दोनों ने साल भर काम भी किया। अब यह पढ़ने में आ रहा है कि द डिसाइपल फिल्म पर कुआरोन ने बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का काम किया है। इसका मतलब यह है कि रोमा फिल्म की जो टीम थी उसने द डिसाइपल पर भी काम किया है। फिल्म की बिक्री की बात करें तो सामने आ रहा है कि अमेरिका, यूरोप में तो बिक्री का हिसाब किताब सब कुछ तय हो चुका है। अब ये भारत में कैसे और कब आएगी ये पता चलते ही हम इससे जुड़ी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। हमारा ये चैनल फिल्म हो, टीवी हो या वेब सीरीज, उससे जुड़ी बातें, उससे जुड़े बिजनेस और बाकी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़ी बातों को आपके स्क्रीन तक पहुंचाने का काम करता है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आप वीडियो देखने के बाद अपनी राय और सुझाव कमेंट सेक्शन के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिससे हमें आप सब तक पहुंचने के लिए आसानी होगी। शुक्रिया।